तो आज की इस वीडियो पे हम बेस्ट 10 सीएस रैंक गन्स क्लिक कर कॉल पे सेट कर देना। बेसिकली सीएस रैंक मैच एक रस मैच है, वहां पर ज्यादातर रस ही होते हैं, तो इसीलिए हम 10 ऐसी गन बनाया गया है। सीएस रैंक में ये 3 तरह का गन स्लॉट पाया जाता है जो लगातार आते रहते हैं, तो इसीलिए हम इन 3 स्लॉट को देखेंगे और इनमें से 10 बेस्ट क्लोज रेंज गन्स को निकालेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं नंबर 10 के साथ। तो नंबर 10 पे वेक्टर, यहां पे डबल वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, सिंगल वेक्टर की बात कर रहा हूं। तो सिंगल वेक्टर नंबर 10 पे इसीलिए है क्योंकि उसका मैगजीन बहुत कम है, जो कि 25 यानी कि 25 गोली फायर होने के बाद वो दोबारा रिलोड करता है। और सेकंड रीजन है इसका रेंज बाकी गन्स के मुताबिक वेक्टर का रेंज बहुत कम है। और थर्ड रीजन है इस गन का रिकॉइल, यानी कि अगर आप किसी एनिमी को फायर करोगे तो ज्यादातर गोली एनिमी को कनेक्ट नहीं होगा, मुश्किल से 2 से 3 गोली एनिमी को लगेगा और बाकी गोली एनिमी के पास से गुजर जाएगा। और अगर आपका रिकॉइल क्या होता है ये पता नहीं है तो आप ये वाला वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। और इस गन की अच्छी बात है उसका रेट ऑफ फायर, यानी कि बाकी गन्स के मुताबिक इसका रेट ऑफ फायर आसपास है, यानी कि सेम आप बोल सकते हो। इस गन के साथ आप मिड रेंज एंड शॉर्ट रेंज पर एनिमी को इजीली हैंडल कर सकते हो, इसलिए हम इस गन को 10 पोजीशन पर रखा है। 9 पोजीशन पर है यूएमपी, क्योंकि यूएमपी वेक्टर से अच्छा है, इसमें मैगजीन एंड रेंज ज्यादा होने की वजह से 9 पोजीशन पर है। फॉर एग्जांपल वेक्टर पर 25 एमओ था लेकिन इसमें 50 के आसपास है, और इसमें स्कोप होने की वजह से आप दूर खड़े एनिमी को भी इजीली मार सकते हो, और स्कोप होने की वजह से आप इसका रिकॉइल को भी कंट्रोल कर सकते हो क्योंकि इसका रिकॉइल और वेक्टर का रिकॉइल सेम ही है। और अगर आपके पास कोई डबल एक्यूरेसी वाला यूएमपी का स्किन है तो आप उसे यूज कर सकते हो क्योंकि डबल एक्यूरेसी रिकॉइल को थोड़ा कम कर देता है। नंबर 8 पोजीशन पर है P90, क्योंकि P90 यूएमपी से अच्छा है। यूएमपी पे आपको 50 के अराउंड एमओ देखने के लिए मिलता था लेकिन P90 पे आपको 80 एमओ देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि अगर आप लगातार 80 एमओ को फायर करोगे फिर जाके आपका रिलोड आएगा, जो कि यूज मैं वीडियो बना रहा हूं। अगर आप ये वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि विदाउट स्किन में कौन सी गन क्लोज रेंज पर अच्छा होता है। और नंबर 7 पोजीशन पर है थॉमसन, क्योंकि थॉमसन का रिकॉइल बहुत कम है, अगर आप एनिमी को 10 गोली फायर करोगे तो आपका 8 गोली एनिमी को इजीली लग जाएगा, वहीं पर अगर आप P90 से एनिमी को 10 गोली फायर करोगे तो आपका कम से कम 4 से 5 गोली एनिमी को लगेगा और ज्यादातर गोली एनिमी के पास से ही गुजर जाएगा। और रिकॉइल कम होने की वजह से एनिमी को आप इजीली थॉमसन से ड्रैगन शॉट मार सकते हो। अगर आप थोड़ी हाइट पर हो और एनिमी आपसे थोड़ी नीचे है तो आप एनिमी को इजीली हेडशॉट मार सकते हो, आपका हेडशॉट लगेगा ही लगेगा। और रेट ऑफ फायर की बात करें तो रेट ऑफ फायर दोनों का सेम है, जितना आपको P90 पे रेट ऑफ फायर देखने के लिए मिलता है उतना आपको थॉमसन भी देखने के लिए मिल जाएगा। और नंबर 6 पोजीशन पर है MP5, क्योंकि आपको थॉमसन से ज्यादा एडवांटेज MP5 पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो पहला जो एडवांटेज है उसका रेट ऑफ फायर, यानी कि थॉमसन से कई गुना ज्यादा रेट ऑफ फायर है MP5 का। और सेकंड एडवांटेज है इसका रेंज, यानी कि थॉमसन से ज्यादा रेंज MP5 पर देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर रिकॉइल की बात करें तो MP5 का रिकॉइल थोड़ा ज्यादा है थॉमसन से, लेकिन इसके पास स्कोप है तो आप स्कोप की मदद से रिकॉइल को कंट्रोल कर सकते हो, जैसे मैं शॉर्ट रेंज पर इस एनिमी को यहां पर मारूं। और सीएस रैंक में मेरा पर्सनल फेवरेट है MP5, जब मैं खुद गन खरीदता हूं तो मैं MP5 भी खरीदता हूं, वरना अगर मुझे एनिमी का डब्बा MP40 मिल जाता है तो मैं MP5 नहीं खरीदता। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ प्लेयर मुझे कमेंट कर रहे थे कि आप क्या टॉप अप नहीं करते हो। जी हां, मैं टॉप अप नहीं करता हूं, यानी कि जब से पबजी बैन हुआ था तब से मैं टॉप अप नहीं कर रहा हूं, कि क्या पता कब फ्री फायर चले जाए, इसी डर के वजह से मैं टॉप अप नहीं करता था। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओ कि आप अभी तक कितना पैसा इस गेम पर लगा चुके हो। अगर मेरी बात करूं तो मैं आई थिंक 1,000 से 2,500 तक होगा मैंने लगा चुका था, और पबजी बैन होने के बाद मैंने पैसा लगाना बंद कर दिया। और नंबर 5 पोजीशन पर MP40 को जो सबसे ज्यादा ओवरपावर करता है वो उसका रेट ऑफ फायर। हालांकि MP40 का रेंज कम है लेकिन जो शॉर्ट रेंज एंड थोड़ी मिड रेंज पर जो MP40 का रेट ऑफ फायर होता है ना वो नेक्स्ट लेवल का होता है। अभी तक MP40 का रेट ऑफ फायर कोई बीट नहीं कर पाया, हालांकि वो अलग बात है कि डबल वेक्टर सबका बाप है, लेकिन फिर भी MP40 बेस्ट है, रुको जरा डबल वेक्टर भी आ रहा है। और नंबर 4 पोजीशन पर है M1014। M1014 को MP40 से जो चीज ओवरपावर करता है वो उसका मैगजीन एंड डैमेज, एनिमी वहीं पर डाउन हो जाएगा, उसको ज्यादा गोली फायर करने की जरूरत ही नहीं। और मैं पहले से बताता हुआ आ रहा हूँ कि मैं यहाँ पर शॉर्ट रेंज की बात कर रहा हूँ, मिड रेंज की बात नहीं कर रहा। और M10 का जो माइनस पॉइंट है वो उसका रिकॉल है, रीलोड एंड रेंज। रेंज तो M10 का बहुत कम है क्योंकि वो एक क्लोज रेंज की गन है, यानी शॉर्ट रेंज की गन। और रिकॉल की क्या ही बात करूं, एनिमी को 3 गोली फायर करने के बाद ज्यादातर गोली रिकॉल पे चला जाता है, यानी कि एनिमी को लगता नहीं है। और अगर एनिमी 3 गोली पर नहीं मरा तो वो एनिमी आपको इजीली किल कर देगा। वहीं पर अगर मैं रीलोड की बात करूं, M10 एक ऐसा लोता गन है फ्री फायर पे जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है, वो है उसका रेट ऑफ फायर, रेंज और रिलोड स्पीड। M10 पर रेंज और रिलोड स्पीड दोनों बहुत कम है, जो कि मैक 7 पर जल्दी जल्दी हो जाता है। वहीं पर रेट ऑफ फायर M10 का कम नहीं है लेकिन मैक 7 से बहुत कम है, क्योंकि मैक 7 बहुत ही जल्दी जल्दी फायर करता है। और सेकंड पोजीशन पर है डबल वेक्टर। डबल वेक्टर का एक ही चीज माइनस है, वो है उसका रेंज। मैं ये मानता हूं कि अगर आपके मुंह के सामने एनिमी है तो डबल वेक्टर उसको मार के ही छोड़ेगा, लेकिन वहीं पर अगर एनिमी आपसे थोड़ा दूर है, जैसे कि जिसे हम क्लोज रेंज नहीं बोल सकते और मिड रेंज भी नहीं बोल सकते, इसमें ज्यादातर इतने डिस्टेंस में फाइट होते हैं। और इतने डिस्टेंस में देखो डबल वेक्टर का डैमेज कितना आ रहा है, 40 शॉट आ रहा है 4 का और 1 शॉट आ रहा है 24 का। वहीं पर अगर एनिमी के पास कोई अच्छा खासा गन है जैसे कि MP40, MP5 या फिर कोई भी गन होगा तो वो एनिमी मुझे इजीली किल कर लेगा। बस इसी एक रीजन की वजह से डबल वेक्टर सेकंड पोजीशन पर है। और नंबर 1 पोजीशन पर है M1887। ये बस सीएस रैंक का नहीं, पूरे फ्री फायर का वन ऑफ द बेस्ट क्लोज रेंज गन। इस गन पे तो कभी कभार बस 2 शॉट एनिमी को मारा और एनिमी किल हो जाता है सीएस में। और वहीं पर अगर आप रसर प्लेयर हो, यानी कि ज्यादातर रस करके खेलते हो, तो ये गन आपके लिए